खबर चमोली से है, जहां नारायण बगड़ से कर्ण प्रयाग पहुंची कांवड़ यात्रा का विश्व हिंदू परिषद व स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कर्ण प्रयाग के संकर ये सभी कांवड़िए सोमवार को शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। इस पूरी यात्रा में पहुंचे कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, इसलिए इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। नारायण बगड़ की कांवड़ यात्रा में पहली बार आए लोगों का कहना है कि सावन के महीने भगवान शिव को जल चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व है। वहीं कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम से जल उठाकर सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों में चढ़ाया जाएगा। बता दें कि कांवड़ यात्रा के कर्ण प्रयाग पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भव्य स्वागत किया। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। ईश्वर महादेव कोठली से आए हुए हैं और पहली बार इस कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। परसों जब इन लोगों का फोन आया था महामृत्युंजय कांवड़ यात्रा समिति का, तो उसके बाद जो 14 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें हमने भी ये मन बनाया कि हम भी इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर हैं। लेकिन बरसात होने के कारण रास्ता ठीक न होने के कारण अधिकांश लोग हमारे नहीं आ पाए हैं, दूर दराज होने के कारण। और आशा है कि अगले वर्ष होने वाले कांवड़ मेले में अधिक से अधिक संख्या में हमारे क्षेत्र से इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा विगत वर्षों में तो हम देवीधुरा महादेव से स्टार्ट करते थे, इस बार दो सालों से हम कोबेश्वर महादेव, मिंगेश्वर महादेव, कुशेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव और लास्ट में संपन्न होगी ये नारायण बगड़। आज जल लेके जा रहे हैं, आज भंडारा होगा नारायण बगड़ में। कल सुबह अपने अपने महादेवों में 153 गाँव से मेरे प्रखंड नारायण बगड़ से लोग आए हुए हैं, वो अपने अपने महादेवों में जल चढ़ाएंगे। कल अभिषेक हुआ, सोमवार भी है, कल अभिषेक हुआ। ये यात्रा हमारी विगत 3-4 वर्षों से कंटिन्यू चल रही है। बोले ये आज कांवड़ यात्रा नारायण बगड़ से शुरू हुई और ये यहाँ कर्णप्रयाग संगम पे आई। संगम में जो है कांवड़ियों द्वारा जल भरा गया और वहाँ पे पूजा, जिस तरह से पूरा अनुष्ठान होता है कि पूजा पाठ करके और तब जो है वहाँ पे पूरा अनुष्ठान के साथ जो है इसको जो है कांवड़ भरा गया वहाँ पर। और इस सब यात्रा का कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस यात्रा के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएँ की गई, जिसमें कि सारे विश्व हिंदू परिषद का परिवार और समस्त सनातनी भाई हमारे यहाँ पे उपस्थित थे। सबके द्वारा इस सब इस यात्रा का स्वागत और इसका आयोजन किया गया है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पे जो है शिवालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद फिर यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था सनातनी भाइयों की ओर से और विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई, जो प्रसाद वितरण के बाद अब यात्रा यहाँ से आगे प्रस्थान कर चुकी है।